भारतीय क्रिकेट घरेलू सत्र के सबसे बड़े और ऐतिहासिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी साल 2023-24 सत्र की शुरुआत 5 जनवरी से होगी। इसमें टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में गुजरात का सामना जहां तमिलनाडु की टीम से होगा, तो वहीं कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के बीच भी मुकाबला खेला जाएगा। रणजी ट्रॉफी के पिछले साल में महाराष्ट्र की टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया था, जिसके बाद वो अपने टाइटल को डिफेंड करने के इरादे से इस बार मैदान पर खेलने उतरेंगे। महाराष्ट्र की टीम अपना पहला मुकाबला इस सीजन झारखंड के खिलाफ खेलेगी। रणजी ट्रॉफी में सभी की निगाह अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा पर टिकी रहेंगी, जो अभी भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं। ये दोनों खिलाड़ी बड़े स्कोर बनाकर अपने दावेदारी बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से पिछले साल में सर्वाधिक 990 रन बनाने वाले कर्नाटक के मयंक अग्रवाल भी बड़ी पारियां खेलकर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए अपना दावा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा भी कई युवा खिलाड़ी हैं जो अपना प्रभाव छोड़ने के लिए बेताब हैं। इनमें मुंबई के सरफराज खान भी शामिल हैं, जो पिछले कुछ साल में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे। मोहम्मद शमी के चोटिल होने के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में भारतीय तेज गेंदबाजी की कमजोरी भी सामने आई, क्योंकि टीम में उनकी जगह लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके बाद तेज गेंदबाजी की बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने की भी चर्चा चल रही है। ऐसी परिस्थितियों में कर्नाटक के विद्युत कावेरप्पा, वैशाख विजय कुमार, गुजरात के अर्जुन नागवासवाला और बंगाल के ईशान पोरेल जैसे युवा तेज गेंदबाज भी अपना प्रभाव छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन युवा तेज गेंदबाजों के अलावा सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट भी अपना दावा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जहां तक स्पिनरों की बात है, तो राजस्थान के 21 वर्ष के बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुतार पर निगाह टिकी रहेगी, जिन्होंने पिछले साल में 8 मैच में 44 विकेट लिए थे।